देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक बार ये फूल भाभी जी के बालों में लग जाए फिर देखना मजा। अरे यार ये फिबू कहाँ चला गया? भाभी जी आज आपकी जुल्फों में ये फूल लगा के दम लेंगे, ये पुष्प नहीं है। बताइए कल रात का निकला हुआ है, कह के गया था कि गैस छोड़े जा रहा है, पता नहीं कितनी गैस है, अभी तक नहीं लौटा। मी बिना आ हेलो अनीता जी। अरे हेलो अंगूरी जी। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं अंगूरी जी, विभू कल रात का निकला हुआ है, अभी तक घर नहीं लौटा। क्या बात कर रहे हैं, लड्डू के भैया भी कल रात के निकले हैं, अभी तक ना ही लौटे। तो आपने पूछा नहीं कि कहाँ जा रहे हैं? हम पूछे ना तो हमको बोले चूहा मारने जा रहे हैं। ओह गॉड, कब से है उनको ये प्रॉब्लम? कल रात ही हुआ। कल रात को तिवारी जी ने चूहा मार के खाया? हाय दिया, कुछ भी बोलती हैं आप। खोके पे हमरा मतबल है, सांप पे ना उनके चूहा घुस गया था और वो सारे कच्चा बनियान को कुतर रहा था। तो वो शॉप पे होंगे ना? रात के निकले हैं लेकिन सांप पर ना आए हैं, बहुत बार काल किए उनको, वो हमको कछु जेम्स बांध ही ना ही दिए। आप रिस्पॉन्ड कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। तो आपने शिकायत नहीं दर्ज करवाई क्या? अभी तक तो ना ही करवाए हैं शिकायत। आपकी का कॉम्प्लीमेंट? कंप्लेंट कहना चाह रही हैं आप शायद?
ऐसे ही पकड़े हैं। नहीं अंगूरी जी, अभी तक कंप्लेंट नहीं कराई, लेकिन अब करवाने जा रही हूँ, आप भी करवा दीजिए कंप्लेंट। हाँ ठीक बा। अरे दादा, सारा ने पूरी गलियां खोद दी, ऐसे में फोन आ रहे। गोरी मैम को फोन। गोरी मैम हाय। अरे गोरी मैम, भले कानपुर की पूरी पुलिस आपको भूल जाए, लेकिन एकमात्र दरोगा हप्पू सिंह आपकी सेवा में 24 घंटा तत्पर है। हप्पू सिंह जी कहाँ हैं आप, जरा जल्दी आ जाइए, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। अरे हाउ हाउ गोरी मैम, आपने बुलाओ और हम चले आए, जान हथेली पे धर के ले आए तो। आप ये कविताएं पढ़ना बंद करेंगे और प्लीज जरा जल्दी आ जाइए। गोरी मैम तो ना, आप नजरे नीची करके तो देखो। इतने खड़े हम। ओए दिया, ये तो यहीं खड़े हैं अनीता जी, आज तो चमत्कार हो गया प्रभु का है कि पुलिस बुलाने के पहले ही पुलिस पहुंच गई है। हाँ चलिए, अब जल्दी से हमारा रिपोर्ट लिखिए। अब एक मिनट अंगूरी जी, हप्पू सिंह जी को मैंने कॉल करके बुलाया है, तो कायदे से उनको मेरी रिपोर्ट पहले लिखनी चाहिए। हाँ तो हम भी तो रिपोर्ट ही लिखवा रहे हैं ना, लिखिए। अरे अंगूरी जी, मैंने कब कहा कि आप वसीयत लिखवा रही हैं, आप भी रिपोर्ट लिखवा रही हैं, लेकिन उनको कॉल मैंने किया है तो वो मेरी रिपोर्ट लिखेंगे, राइट? कहा है ना अनीता जी कि ये जो दारोगा जी है ना, ये कोनो का भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो एक ठो पब्लिक टॉयलेट की तरह है। का कही आपने? यहाँ पहले हम नहीं चलता है, कोई भी कभी भी आकर हल्का हो सकता है। भाभी अंगूरी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो ठीक तो बोल रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। अंगूरी जी, डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है ना? प्लेन, हाँ उसमें तो हम बैठे हैं। डैडू के साथ पटना गए थे, हमको बहुत मजा आया था। अंगूरी जी मैं डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ, अनुशासन की बात कर रही हूँ। कछु भी बोलती हैं आप, अभी अभी हमको कोनो आसन बासन ना ही सूझ रहा है। मैं अनुशासन बोल रही हूँ। ऐसे ही पकड़े हैं। अब कहा है ना कि अभी हमको लड्डू के भैया का बहुत तानसेन है, यहाँ वहाँ का बातें ना ही कीजिए। तो आप भी मत कीजिए, क्योंकि मुझे भी विभू की बहुत फिक्र हो रही है। आप लिखिए पहले हमरा रपट। नहीं, मैंने बुलाया है मेरी रिपोर्ट। पहले हमरा रपट। मेरी? हमरा रपट। मैंने बुलाया है मेरी रिपोर्ट। पहले हमरा रपट। नहीं, मैंने बुलाया है मेरी रिपोर्ट। अरे वो दादा, गोरी में ऐसे आप दो जने ना लड़ो, हमें ज्यादा फिक्र हो रही है। हम एक काम कर रहे, हम दो मन की रिपोर्ट लगाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लियो। आप लोग अपनी एनर्जी खर्च ना करो, और खासकर आप तो बिल्कुल ना करो। हाय दिया, एक साथ कैसे लिखेंगे? अरे दादा, कहाँ सोचो। बताओ ससुर, पहले इन दो मन की आदमी लड़ती, आज ये दो जने चौंची युद्ध कर रही। आप और टेंशन ना लियो, हम दो मन की रिपोर्ट लिखेंगे। तो जो बताओ, रिपोर्ट लिखवाने वाले को नाम? अनीता मिश्रा। तिवारी। बचपना ना गोविंद मन को। गायब होने वाले को नाम? विभूति मिश्रा। फिर वही बात। अच्छा, इन्होंने रात में का खाओ तू है? एक मिनट, उससे इनके गायब होने का क्या ताल्लुक है? गायब बहुत बड़ा ताल्लुक है, कहे कि अगर रात में आदमी ज्यादा पेल के खा ले तो है ना, तो फिर गैस बनती है, और फिर गैस बनती है तो आदमी को लगता है थोड़ी टहलने, मामलो हल्को कर ले, तो फिर लंबो टहल जाते है ना, जरूरी तो है। तो दारोगा जी, लड्डू के भैया मूली के पराठे पेले थे। अच्छा? भाभी अंगूर, एक आटा ये पड़ो है काम है? सब खा गए। वैसे आप रपट लिखिए। सब पेल गो ससुर। विभू ने सैंडविच खाया था। कौन सी खाई थी, चीज वाली खाई थी कि बगैर चीज वाली खाई थी?
सॉरी सॉरी ओके सैंडविच तो इतने डरो। आइडिया। व्हाट? क्या कर रहे होते? आए, आए, आए। हेलो। कहाँ फोड़-फाड़ करके आया है भाई? किसी की बीवी को छेड़ा हो, उसी ने जमकर कूटा है। ये जो दूसरों की बीवी को छेड़ने का शौक है ना भाई, बहुत बुरा होता है। लेकिन मजा बहुत आता है। लपड़ खींच के मारा अभी तो उन लोगों पर। क्या फालतू की बकवास कर रहे हो तुम लोग? ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ भाई। मैं सकल से कमीनापन चू रहा है। अब बोल रहा है मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह आदमी एक नंबर का छेड़ू है। और तो और अपनी भाभी पड़ोसन को पटाने की फिराक में। ये क्या 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 बकवास कर रहा है तुम? देखा 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 देखा, इसके हकलाने से सब पता चल रहा है। और क्या बता सकते हो मेरे बारे में भाई तुम लोग? अरे साफ दिख रहा है तुम्हारी बीबी ने तुमको गुलाम बना के रखा हुआ है। लेकिन भाभी जी है बड़ी खूबसूरत। दांत अंदर कर ले बेटे, ये तो तोड़ दूंगा। बताइए ना विभू की तबीयत कैसी है? भाभी जी, विभूति भैया की बहुत सारी हड्डियां चटकी हुई हैं। कम से कम एक हफ्ते तक तो इन्हें हिलना डुलना भी मना है। अगर मैं यहां रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। ये फूल भाभी जी को मुझे एक हफ्ते के अंदर लगाना है। डॉक्टर साहब मुझे घर जाना है। मैं यहां नहीं रहूंगा, मुझे घर जाना। अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं भैया, आपका इस वक्त घर जाना खतरे से खाली नहीं है। और मेरा यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं है डॉक्टर साहब। विभू तुम समझते नहीं हो, तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारी अच्छे से केयर होगी, इलाज भी हो पाएगा। पैसे भी तो खर्च होंगे ना बेबी। हाँ तो मेरे पैसे खर्च होंगे ना। इसलिए तो कह रहा हूँ बेबी कि मेरी बीमारी पे तुम अपने पैसे खर्च करो। ये मेरे उसूल मेरे आदर्श इस बात की गवाही नहीं देते। उफ, तुम्हारी ये उसूल और तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल और आदर्शों को बेचा जाए ना तो सर्दी जुकाम की टैबलेट तक नहीं आ सकती है। देखो बेबू, आज तुम भी वही हो और मैं भी वही हूं। हम दोनों ने अपने करियर की शुरुआत साथ में की थी और देखो आज मैं कहां चली गई और तुम कहां रह गए। आज मेरे पास हेल्थ कार्ड है, इंश्योरेंस कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास आई कार्ड है। आई कार्ड? मराठी में आई का मतलब होता है मदर। मेरे पास मदर कार्ड है और मदर कार्ड में 3 करोड़ बैलेंस है मेरे पास। अनु, आई वांट टू गो होम, मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना है। ठीक है भैया, अब आपने जब जाने का फैसला कर ही लिया है तो जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। ठीक है, हेलो, होल्ड माय हैंड। टुल्लू, शो करो। कर दो। ये ले मेरी जान। 3-1। यार टुल्लू, तुम तो बड़े वाले खिलाड़ी निकले हैं। अरे हमें एक बार भी जीतने नहीं दिया। अबे बावले, मैं तो कुछ भी ना हूँ, मेरे साथ में जो भालू रेवे ना वो टॉयलेट को गया, वो तो बहुत बड़ा वाला है। कभी हमारे अड्डे पे भी आया करो, साथ में खेलेंगे। अरे चचा, अभी तो दोस्ती हुई है, आना जाना लगा रहेगा। यार टिल्लू, तुम तो बहुत हैंडसम हो। हैं? थैंक यू यार। आवाज शाम को तुम्हें दूध जलेबी खिलाता हूँ। इसके बदले कुछ करना तो ना पड़ेगा। इससे बड़ा शौक है। शौक? किस चीज का? मसाज का।
मेरा मतलब है हैंड मसाज का। अच्छा हैंड मसाज। तो तुम क्या समझे? मैं रहूं ना संभाल यहां से यहां से। Be careful. अब सुनो, कोई हेल्प करो ना, विभू को घर ले जाना है, ये क्रॉस करा दो। क्यों ना भाभी जी, टिल्लू हाजिर है तो। मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाया हूँ। हैं? खाओ गुलाब जामुन। तेरी जान। क्या लजीज है। अरे विभूति सेठ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कसम खा के कह रही हूँ, गुलाब जामुन बड़े टेस्टी हैं। कम बात, तेरे गुलाब जामुन के चक्कर में मेरा पैर टूट जाएगा। I can't wait no more, baby. हमें चलना होगा। मैं चलूँगा। चलो। अब। Here you go. सुनो ना, हमारी हेल्प कर दो। कोई हेल्प नहीं कर रहा है, इसको उधर लेके जाना है। अरे नो प्रॉब्लम भाभी जी, डोंट वरी, माय प्लेजर। मैं भैया को पार लगाऊंगा, प्लीज। तेरी जवनिया। भैया मैं आपको पकड़ता हूँ, आप ये पकड़ो। हाँ दे दे, होल्ड दिस। ये क्यों फेंक दियो? पोपट का वाड़ी से 15 रुपए में खरीदो तो मैंने। आराम से भैया। ये बच्चा बड़ा प्यारा है यार, बड़ा हेल्पफुल बच्चा है। यू नो आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। यू आर अ गुड बॉय यार। अगर आप कहो तो मैं आपको कंधे पे ले चलूं? ना 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 मेरे बच्चे, आई एम फाइन, आई एम फाइन। और ये कमबख्त टिल्लू बैठा हुआ गुलाब जामुन खा रहा है। गुलाब जामुन? अरे भैया गुलाब जामुन। बेटे बेटे कौन खा रहा गुलाब जामुन? भैया टिल्लू 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 खा रहा है बेटे। टिल्लू सारे तू गुलाब जामुन अकेले अकेले खा रहे हो? पूरा मत खा जाओ, मैं भी खाऊंगा। कोई गारंटी ना भैया, बचेगा कि ना बचेगा। कैसी गारंटी दी है भैया? मैं गुलाब जामुन खाऊंगा। अरे ठीक है बेटे, ठीक है, मिल जाए। मुझे क्रॉस करा दे बेटा, फिर तू गुलाब जामुन खा लियो। अच्छा शाबाश। हाँ शाबाश, गुड बॉय। हाँ बेटा आराम से भैया। हाँ ओए धीरे धीरे। लज्जतदार भैया, मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट कर दो भैया। चलो बेटा चलो। हाँ क्या लो भैया, चलो। लबाबदार भैया, थोड़ा थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ भैया। चल रहा हूँ, चलो कोशिश तो कर रहा हूँ। मेरा पैर उठ नहीं रहा। हाँ खुदा की कुदरत। हाय 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 भैया, थोड़ा थोड़ा सा चल रहा हूँ भैया, थोड़ा सा। चल रहा हूँ बेटा चल रहा हूँ। ना धक्का मत, धक्का मत। नहीं भैया धक्का मत। नहीं नहीं आराम भैया, थोड़ा तेज चल रहा हूँ भैया, जल्दी चलो। अरे रुक जा कमबख्त। आगे भी आगे आराम से। भैया चलो ना भैया, धक्का 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 नहीं दे रहा हूँ भैया, थोड़ा देर चलो। भैया थोड़ा देर चलो ना भैया। आराम से बेटा आराम से, धक्का नहीं है, धक्का नहीं, आराम। सारे सब खा गो। इस मोहल्ले के लौंडे जो है ना, सब के सब घटिया कमीने आवारा है। Just give me the hand. Just give me the hand. Get up, get up. Yeah. किसी काम की नहीं साले। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है? हाँ।
क्या कर रहे हैं भैया? आपकी बॉडी में कोई ऐसी भी जगह है जहां दर्द ना हो रहा हो? एक जगह है जहां आपका हाथ नहीं पहुंच पाएगा। अरे भैया, उन अंगों में चोट लगे ना लगे इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो ज्यादातर अपने हाथ और पैरों से ही काम लेना है ना, और वैसे भी उन अंगों की जरूरत तो कभी कभी पड़ती है। अरे डॉक्टर साहब, फिलहाल तुम ये सोच रहे कि हम कब घर जाएं और अपने सभी अंग प्रत्यंगों को दुरुस्त करें, वरना अस्पताल को तो आप जानते हैं, यहाँ का माहौल ऐसा है कि बाकी के अंग भी काम करना बंद कर देंगे। भाभी जी आइए बैठे। अले जी के भैया, ये आपके लिए। अब तबीयत कैसा है आपका? अभी 10 मिनट पहले तो तुम जूस लेने गई थी, इतनी देर में क्या तबीयत हरी हो जाएगी? हाँ तो आप कब हरे होंगे? हमें मतलब है कि वो आप कब यहाँ से रिचार्ज होंगे? वो डिस्चार्ज होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे हमें कहा पता, हम तो कब से डॉक्टर साहब से कह रहे हैं हमें डिस्चार्ज कर दो, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। कैसी बात कर रहे हैं भैया, ऑलरेडी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हुई पड़ी है। मेरा कहने का मतलब है कि अभी आपके एक पैर में प्लास्टर चलने वाला है, आपकी गर्दन में इतना जोर का झटका लगा हुआ है और आप कह रहे हैं कि डिस्चार्ज कर दो। भैया हफ्ते दो हफ्ते रुक जाइए, जरा जो हड्डियां है ना आपस में अपनी जगह पे सेट हो जाएं, फिर घर चले जाइएगा। क्यों भाभी जी? लेकिन भाभी जी के बालों में तो एक हफ्ते में ही फूल लगाना है। अरे नहीं नहीं, अरे हफ्ते दो हफ्ते में तो हमारी बैंड बज जाएगी, हमें अभी के अभी डिस्चार्ज करो, अभी करो। देखिए ना डॉक्टर साहब, हमरी तो कुछ समझ ही ना आ रहा है कि लड्डू के भैया को यहीं कॉकपिट रहने दे या फिर घर लेकर जाए। अरे वो एडमिट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे लेकिन तुम काय कंफ्यूज हो रही हो, तुम तैयारी करो, हम चल रहे हैं ना तुम्हारे साथ घर। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ मान जाइए, अभी आप यहाँ से डिस्चार्ज मत होइए वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। भाभी जी समझाइए ना आप। हाँ सच्ची डॉक्टर साहब ठीक बोल रहे हैं, यहाँ कुछ दिन रहिए, आराम कीजिए अच्छे से, वैसे भी आपको घर ले जाने में बहुत तकलीफ होगा। तो तुमको क्या तकलीफ होगी? हैं? तुमको क्या तकलीफ, तुम्हें सर पे बिठा के ले जाना है काम को? कुछ भी बोलते हैं, वो तमाम खुदाई नहीं किए हैं टिल्लू भैया और टीका। हाँ वो के ऊपर से कैसे ले जाएंगे, कुछ समझते नहीं है। कछु और भी टूट गया लगता है।